मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजधानी भोपाल में जीवनदायक इस इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 4 युवक शाहजहांबाद इस्लामिक गेट के पास इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मौके से 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित 24,000 रूपए बरामद किए गए हैं। वहीं मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी गोपाल सिंह धाकड़ का कहना है कि पुराने भोपाल में नोमान नाम के युवक का एक मेडिकल स्टोर है। ये आरोपी उससे 7,000 रूपए में इंजेक्शन खरीदते थे और वही इंजेक्शन करीब 12 से 18,000 रूपए में जरूरतमंद लोगों को बेच दिया करते हैं। इस्लामी गेट साजनाबाद में कुछ हुलिये के लोग जो है ऐसे जो पीड़ित लोग हैं कोरोना के दौर में, उनको ऐसा कुछ खबर मिली थी कि 18, 15, 14, 20 हजार में अलग अलग रेटों में इंजेक्शन जो है मिल रहा है। तो उसी में एक पीड़ित व्यक्ति ने हमें सूचना दी थी कि इस टाइप से जो है कालाबाजारी हो रही है और इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। उसमें हमने एक टीम बनाई और जो उनने सूचना दी थी उस सूचना पर जो है तत्काल हमने एक टीम भेजी और जो साजनाबाद में इस्लामी गेट है वहां जाकर जो होलिया बताया अनुसार लोग खड़े थे इंजेक्शन बेचने की प्राक में, उनको हमने जाकर जो है पकड़ा, पूछताछ करी, पर्चे रिपोर्ट जो भी होती है वहां नहीं दिए गए उनके द्वारा। इसमें हमने प्राथमिक रूप से समी खान, अखला खान, एहसान खान और नोमान खान, ये 4 लोग हैं। इसमें एक डॉक्टर है एहसान खान जो अपोलो हॉस्पिटल साजनाबाद में, और ये नोमान खान लाइफ लाइन मेडिकल चलाता है, ये भी साजनाबाद का है, और ये अखला खान ये एम्पायर मेडिकल साजनाबाद, ये सब मेडिकल वाले हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो इनसे जब डिटेल विस्तृत पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जो है मनोज मेडिकल है साजनाबाद में, उसमें एक जो लड़का काम करता है आसिफ, उसको भी हमने इसमें नामजद मुलजिम बनाया, वहां से इनके द्वारा लाना बताया और 14 से 18 हजार में पर इंजेक्शन ये लोग बेच रहे थे। और जो बेचने के जो कुछ पैसे भी इसमें जो 4 इंजेक्शन के अलावा 24,000 रूपये कुछ नकद हुए। इस प्रकार से ये लोग पूरा गोरख धंधा चल रहा था और इनकी सप्लाई की चेन और ऊपर की चीज अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसमें पता करेगा।